नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी स्टेनोग्राफी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ला आंकड़ा यानी व्यंजन ला के संकेत का संक्षिप्त रूप, इसे कहां और कैसे उपयोग करते हैं और इसको उपयोग करने की क्या नियम एवं शर्तें हैं। तो चलिए अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। ला आंकड़ा यानी व्यंजन ला के संकेत का संक्षिप्त रूप। ला आंकड़े को ला आंकड़े की तरह ही किसी भी रेखा के प्रारंभ में तो लगाया जाता है, किंतु रेखाओं को पढ़ते वक्त या रेखाओं को अनुवाद करते वक्त ला आंकड़े की तरह ही पहले वह व्यंजन जिसमें आंकड़ा लगा है उसे पढ़ा जाता है, फिर उसके उपरांत यह आंकड़ा पढ़ा जाता है। अगर दोनों ही आंकड़ों को उस व्यंजन को पढ़ने के उपरांत पढ़ा जाता है जिसमें वह लगे हैं, जैसे सरल रेखाओं में व्यंजन प और का के संकेत में र लगा है या लगा होने से हम इसे प्रा, क्री और पर भी पढ़ लेते हैं। इसी तरह किसी भी रेखा के प्रारंभ में दाएं से बाएं की ओर घुमावदार आंकड़ा लगा होने से हम इसे व्यंजन ला पढ़ लेते हैं, अर्थात पल और कल पढ़ लेते हैं, जैसे कर और ये हो गया कल। रा का आंकड़ा बाएं से दाएं की ओर जबकि ला का आंकड़ा दाएं से बाएं की ओर बनाया जाता है। पर, पल, चर, चल, टर, टल। पावर्ग, चावर्ग एवं टावर्ग में भी यह आंकड़ा बाएं से दाएं की ओर बनाया जाता है, जबकि ला का आंकड़ा पावर्ग, चावर्ग एवं टावर्ग के व्यंजनों में दाएं से बाएं की ओर रा आंकड़े की विपरीत दिशा में बनाया जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं सरल रेखाएं जैसे कावर्ग, पावर्ग, चावर्ग, टावर्ग आदि में रा आंकड़े को उसकी विपरीत दिशा में बनाया जाए तो पहला आंकड़ा कहलाता है। वक्र रेखाओं में ला आंकड़ा लगाने के लिए ला आंकड़े को रा आंकड़े की ही तरह अंदर की ओर घुमाव देकर बनाया जाता है। फर्क सिर्फ ला और रा आंकड़े में इतना होता है कि ला आंकड़े को बनाने के लिए रा आंकड़े की साइज को करीब करीब दुगना कर देते हैं, जिससे रा आंकड़ा ला आंकड़े में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कर, कर, कल, कल। वक्र रेखाओं में रा का आंकड़ा आरंभ में लगाया जाता है घुमावदार आंकड़े के रूप में, जबकि ला का आंकड़ा वक्र रेखाओं के प्रारंभ में भी कुछ अधिक फैला हुआ बनाया जाता है। सर, सर, सल, सल, मर, मल, नर, नल। इसी प्रकार अन्य व्यंजनों में भी वक्र रेखाओं में रा का आंकड़ा जिस प्रकार लगाते हैं उससे थोड़ा फैला हुआ ला का आंकड़ा बनाया जाता है। चलिए आखिरी में हम ला आंकड़े की कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। रा आंकड़े की तरह ला आंकड़े को भी व्यंजन या रा, ला, वा एवं हा में नहीं लगाया जाता है। नंबर दो, जिस भी व्यंजन के संकेत में ला आंकड़ा या रा आंकड़ा लगा है या लगाएंगे तो उस व्यंजन को पढ़ने के उपरांत आंकड़ा पढ़ा जाएगा, अर्थात जो भी स्वर, व्यंजन और मात्राएं हैं या तो आंकड़े के पहले पढ़ी जाएंगी या फिर बाद में। तीसरा, वे शब्द जो व्यंजन ला से शुरू हो रहे हैं उनमें ला का आंकड़ा नहीं लगा सकते, जैसे लाहौर, लड़का और लता, क्योंकि ला का आंकड़ा लगाने के लिए उसके पूर्व व्यंजन होना जरूरी है जिसमें ला का आंकड़ा लगाया जा सके। उम्मीद है
आपको आज के टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टेनोग्राफी की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको मिलती रहें।